हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन फॉर्म जो आए हुए हैं 2020 के लिए, कांस्टेबल के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे कि उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसकी सारी डिटेल्स कैसे भरनी है। आपको कहीं साइबर कैफ़े पर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में चले जाना है। मोबाइल के ब्राउज़र में किसी में भी जाके आपको टाइप कर देना है। आपको पहले SSC की साइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है SSC में तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं कर रखा तो आपको करना पड़ेगा। तो आप टाइप कीजिए ssc.nic.in। और उसकी जैसे हम उसके ये टाइप करने लेते ही उसके होम पेज पे चले जाएंगे SSC के पे। यहाँ पे आपको देखो जो राइट साइड में लॉगिन का कॉर्नर दिख रहा है, यदि आपके पास ID पासवर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो आपको देखिए नीचे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर नाउ पे इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको डालनी होगी। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप, सबसे पहले आधार नंबर है, यदि आप आधार कार्ड आपके पास है तो आप आधार यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे देखो नो कर रखा है। इसके बाद आप यदि आधार कार्ड यस करोगे तो आपको इसका नंबर डालना पड़ेगा, उसके इसके बाद टाइप ऑफ ID। यदि आप आधार कार्ड को यस कर देते हो तो आपको दूसरी ID डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने नो किया है इसलिए मेरे को दूसरी ID डालने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे देखिए वोटर ID कार्ड मैंने सेलेक्ट किया और ये वोटर ID कार्ड का नंबर डाल दिया है यहाँ पे। इसके बाद नेम डाल देना है आपका, मैंने यहाँ पे डेमो के लिए सैंपल नेम भर रखा है, आपको नेम डालना है इसका। इसके बाद ये जो बंदे का नाम है वो भरने के बाद आपको, यदि आपका नाम चेंज हुआ है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। और आपका फादर का नाम जो भी है वो भर दीजिए, सैंपल फादर नेम मैंने यहाँ पे भर रखा है, आप जो भी आपका फादर का नाम है वो भरो। इसके बाद यहाँ पे मदर नेम, वेरीफाई अदर नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको अकॉर्डिंग टू आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग भरनी है। इसके बाद आपने किस बोर्ड से की है 10th, उस बोर्ड का नाम लिखना है यहाँ पे डाउन ड्रॉप में, आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है कौन क्या नाम है आपके बोर्ड का। इसके बाद आपको वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, मतलब उसके बाद दोबारा से उसका बोर्ड का, उसके बाद रोल नंबर डालने हैं 10th के। इसके बाद आपने कौन सी ईयर में 10th पास की है वो ईयर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आप जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल कर दीजिए। इसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने ग्रेजुएशन तक कर रखी है तो ग्रेजुएशन भर दीजिए, 10+2 तक है 10+2 कर दीजिए। जो भी आपने उसके आप PG कर रखी है तो PG भर दीजिए। आपके बाद उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल ID, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID एकदम सही से भरना है, क्योंकि उस पर आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी और इसका नोटिफिकेशन आएगा, इसका ID और पासवर्ड आएगी, यूज़र नेम और पासवर्ड आएगी SSC की साइट पे लॉगिन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए ID और पासवर्ड आएगा। तो पहले आपको इसको सेव पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे सेव हो जाए उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये दूसरा पेज खुल जाएगा वहाँ पे। इसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जैसे मैंने जर्नल कर दी है, एक्स सर्विस मैन है, OBC है, जो भी है। इसके बाद आपको को नेशनलिटी, मतलब आप यदि इंडिया के सिटीजन हो तो इंडिया कर दो, यदि और कहीं की तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना है, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है वो भर दीजिए, मतलब आपके जो भी कट का निशान या मोल है या जो भी है वो आप भर दीजिए आइडेंटिफिकेशन मार्क में। यदि आपके कोई डिसेबिलिटी है, मतलब हाथ पैर में कुछ दिक्कत है, तो आप वो डिसेबिलिटी की डिटेल्स भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, हैंडीकैप्ट है या ब्लाइंडनेस है। इसके आगे आपको आपका परमानेंट एड्रेस भरना है, परमानेंट एड्रेस में स्पेशल करेक्टर्स कुछ नहीं भरने हैं। और
इसके नीचे आपको आपका स्टेट सेलेक्ट कर देना है, स्टेट या यूटी जो भी है आपकी। मैं यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिल्ली कर रखा है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डाउन ड्रॉप में आपको डिस्ट्रिक्ट आपका चूज करना है कौन सा है। इसके बाद पिन कोड आपका क्या है, पिन कोड भर दीजिए। इसके बाद यदि आपका परमानेंट और ये प्रेजेंट एड्रेस यदि सेम है तो आप इस पे सेम है जब वो पे क्लिक कर दीजिए, यस पे कर दीजिए, और यदि अलग है तो आप नो कर दीजिए, और यदि नो करोगे तो आपको दोबारा से फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फिर से सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पहले सेव कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट। यदि कोई मिस्टेक हो तो आपको ये दिखा देगा, सेव करोगे उस टाइम, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी और सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेगा, जिसमें फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में। यहाँ पे दो ही टाइप का फॉर्मेट एक्सेप्टेड है, JPEG एंड JPG, ठीक है। उसकी डायमेंशन भी दे रखी 3.5 विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और सिग्नेचर का भी दे रखा है इन्होंने 10 KB में। यहाँ पे जैसे आप अपलोड सिग्नेचर पे यहाँ पे क्लिक करोगे, नीचे जो ग्रीन कलर का ये दे रखा है इस पे आप क्लिक करके आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है और फाइनल आई एग्री पे क्लिक करके आपको फाइनल इसको सबमिट कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट करोगे आपके पास आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे SSC की साइट के, जिससे आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपके पास यूज़र नेम और एक पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे चला जाएगा। आईडी पासवर्ड से आप SSC की साइट पे आप लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको ऊपर होम, नोटिस, अप्लाई, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, इस टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा था उस पे। अप्लाई के क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे अप्लाई में आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म दिखा रखे हैं जो अभी फिलहाल चल रहे हैं। आपको अदर्स पे क्लिक करना है। अदर्स का एक देखो यहाँ पे JHT के साइड में अदर्स पे क्लिक करेंगे। अदर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे चले जाना, कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020, इस पे अप्लाई पे क्लिक करना है। ये आपको अप्लाई पे क्लिक करने के लिए क्लिक करोगे तो आपको ये जैसे यहाँ पे लॉगिन दोबारा से मांग रहे हैं। देखिए मैं दोबारा से लॉगिन हो गया हूँ। अभी लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए दोबारा से आपको ये दिखा रहा है, कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 पे। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है अप्लाई, प्रिंट, डाउनलोड, ऑफलाइन चलान, पेमेंट। आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है जो पहला। बाद आपका ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। यहाँ पे आपको केयरफुल्ली आपको बनना है, कैंडिडेट नेम, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम चेक कर लेना है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपकी SSC की साइट से ली गई है जो आपको ओनली चेक करनी है। आप क्रॉस चेक कर लीजिए इनको सभी को, जो भी आपने भरा था वहाँ पे आपको सारी चीज़ क्रॉस चेक करनी है। यदि जो भी कुछ गलत लगे आप चेंज कर सकते हैं उनको। इसके बाद नीचे चले जाइए, जो आपको लग रहा है कि नहीं भर रखा है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। जो आपने भरी थी वही डिटेल्स हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे पूछ रखा है 20 नंबर कॉलम में, यदि आप कोई स्पेशल कोटे के लिए एलिजिबल हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो ही रहने दीजिए। यदि एज रिलैक्सेशन यदि आपने लिया ले रहे हो तो उसका आपको यस या नो करना है। यदि आपके पास NCC है तो NCC यस करोगे तो आपको कौन सी टाइप की सर्टिफिकेट है उसका भी आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे अभी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का दे रखा है अदर्स 35 करके कर रखा है, तो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने कोड्स दे रखे हैं, आपको कोड चूज करके ये फिल करना है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अभी यहाँ पे आपको 12th की जो डिटेल्स है वो आपकी भरनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12th सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद नीचे यहाँ पे बोर्ड, आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके पास, सारे सब्जेक्ट बनने हैं जो 12th में आपके पास थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जो भी था आपके पास, ईयर ऑफ पासिंग जो आपका था 12th, परसेंटेज और GPA।
इसके बाद आपको ये आपका पोस्टल एड्रेस जो आपने फिल किया था वही होगा, क्रॉस चेक कर लीजिए इसको। इसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर, फिर इसके बाद लास्ट में फिर से यहाँ पे एक डिक्लेरेशन रहेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी करेक्ट हैं। यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है, और आपको यदि आप प्रीव्यू करना चाहे तो प्रीव्यू कर सकते हो। प्रीव्यू करने के बाद आप इसको सबमिट करना चाहे तो सबमिट कर सकते हो। प्रीव्यू करोगे पहले, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू में आपसे फिर से आपको एक बार ऑप्शन मिलेगा चेक करने के लिए, क्रॉस चेक सारी चीज़ चेक कर लेना, उसके बाद आप इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आपको कन्फर्मेशन मैसेज आपकी ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। इसके नीचे अभी यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दे रखी हैं जो कुछ लोगों के लिए अप्लीकेबल हैं, वो यहाँ से डाउनलोड करके भर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे ये दे रखी है, ये डिफेंस पर्सनल को ये एप्लीकेशन फिल करनी है अपने फॉर्म के साथ, ये अपलोड करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये एक्स सर्विसमैन की अंडरटेकिंग है, एक ये एससी एसटी के लिए बंदों के लिए है। यहाँ पे इस टाइप से सभी की, ओबीसी वालों के लिए, ये स्पोर्ट्स के रिलैक्सेशन की में जो इन्होंने कैटेगरी जो स्पोर्ट्स का दे रखा था उसमें से ये स्पोर्ट्स शामिल हैं, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। इसके बाद हमने ऊपर एक डिस्कस किया था कि आपको एजुकेशन का कोड भरना है। अभी देखिए यहाँ पे उनके कोड दे रखे हैं एजुकेशन के कोड, जो मैं एक जगह लास्ट में बता रहा था कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसका आपको कोड भरना है। जैसे आपने यदि मैट्रिकुलेशन कर रखा है 10th पास, तो आपको 01 भरना है। आपको इसी टाइप से इसमें जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है, जैसे बीटेक बीबीए जो भी कर रखी है, आपको उस हिसाब से उसका कोड फिल करना है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।